दोस्तों, वैकेंसी से संबंधित ये एक वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। दोस्तों, एक्साइज विभाग में कांस्टेबल के 518 पद भर्ती होने हैं, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है वो भर्ती करेगा। इसमें जो योग्यता मांग रहे हैं वो केवल और केवल हाई स्कूल, वो मांग रहे हैं कि हाई स्कूल अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1900 ग्रेड पे है, छठे पे कमीशन के अनुसार। और इसमें जो एज जो मांगा है इन्होंने, वो 1 अगस्त 2018 को आपकी 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, www.jssc.nic.in पर जा कर के आप इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसी है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें जनरल के 264 पद हैं, तो देख लीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और दूसरी वैकेंसी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये दोस्तों दूसरी वैकेंसी है, यूपी पुलिस में 5419 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है दोस्तों। इसमें जो वेबसाइट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, http://2/, उसके बाद लिखा हुआ है upppb.gov.in पर जा करके आप इस फॉर्म से संबंधित बाकी सूचनाएं आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें जो फीस है वो 400 रुपये रखी गई है, और जो इसमें योग्यता मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता, वो 12वीं पास मांगी गई है। जो लड़के सम्मिलित हैं, अब की बार एग्ज़ाम देंगे 12 में 12 की, वो लोग फॉर्म इसको नहीं भर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी मिलेगी वो 21,700 रखी गई है, और जो इंटरमीडिएट के साथ में ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, डोएक का। और उसके साथ ये दोनों चीज़ें अगर हैं आपके पास तो ठीक है। अब अगर आपके पास डोए का सर्टिफिकेट नहीं है, इंटरमीडिएट तो कंपलसरी है, डोए का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक का सेवा किया हो, या एनसीसी में बी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसमें जो एज है वो 18 से 22 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और जो एज मतलब जो काउंट होगा वो 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 के बीच में होना चाहिए। और जो इसमें महिला उम्मीदवार जो सम्मिलित होंगी, ये तो पुलिस वालों के लिए था, और ये महिलाओं के लिए 18 से 25 उनके लिए है, उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। और उन उम्मीदवारों के लिए जो महिला उम्मीदवार है, वो 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए, और जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2018 के आधार पर की जाएगी। और इसमें 400 रुपये की फ़ीस है, बहुत ही अच्छा फॉर्म है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2019 है, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, शायद सिलेक्शन आपका हो जाए। अगली वैकेंसी के ऊपर आइए चलते हैं। दोस्तों, ये अगली वैकेंसी है, इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस के लिए 420 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें अलग अलग ट्रेडों के लिए है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वगैरह की ये वैकेंसी है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये अलग अलग प्रदेशों के लिए भी है दोस्तों, अलग अलग प्रदेशों में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें तमिलनाडु है, उसका कर्नाटक है, केरल है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, तो बहुत सारे प्रदेश हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो इसकी अंतिम तिथि है वो 10 फरवरी 2019 है, शाम को 5 बजे तक आपको अप्लाई कर देना है। इसकी जो वेबसाइट है वो www.iocl, इंडियन ऑयल की जो वेबसाइट है iocl.com है। और इसमें जो मतलब योग्यता मांगी गई है वो 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड से 2 वर्ष का ITI होना चाहिए, और जो आयु सीमा है वो 31 दिसंबर 2018 को न्यूनतम 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस कर लेंगे आप तो हो सकता है वहाँ पर आपकी जॉब को परमानेंट कर दिया जाए। तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो आइए अगली वैकेंसी पर चलते हैं। ये दोस्तों हरियाणा में SSC इंस्ट्रक्टर की 820 पद हैं,
उसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें टर्नर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी बहुत सारे पद हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है, नोटिफिकेशन वगैरह भी यहीं से डाउनलोड होगी, hssc.gov.in पर आप जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी 2019 है। इसमें दोस्तों संबंधित जो ट्रेड होगा, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे, उसमें आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट या NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ में आपके पास जो इंस्ट्रक्टर की जो पढ़ाई है, मतलब जो टीचर का जो सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास होना चाहिए। जो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स है वो भी आपने किया हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एज है, एज में इसमें 17 साल से 42 साल के बीच में ये मांग रहे हैं, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी पूरी डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। बेहतरीन वैकेंसी है, तो एक बार ट्राई करिए, अप्लाई करिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये रहे 3-4 वैकेंसी, मुझे अच्छी लगी थी तो उसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों को सूचना दे दूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कम्युनिटी में, ताकि उनको भी अगर इस वैकेंसी से कहीं कोई फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।